Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आईजी सिंध एडी खाजा ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने तबादले से मुतालिक केस पर फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत ने यकुम अप्रैल को आईजी सिंध को ओहदे से हटाया था। सिंध हुकूमत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कराची के इलाके गुलशन हदीद में सीपीएलसी और एवीसीसी की कार्रवाई। दो अगवाकार हलाक। मुगवी ताजर मसूद फिरोज बाजियाब रिहाई के लिए 1.5 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। पेशावर में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम। थाना मिथरा की हदूद से 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। 15 किलो बारूद और डेटोनेटर्स और सेफ्टी फ्यूज बरामद। आज यौम फिजाइया मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। कराची में पायलट राशिद मिनहास शहीद को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब। एयर वाइस मार्शल हसीब पराचा ने कब्र पर फूल चढ़ाए। पाक फिजाइया के दस्ते ने सलामी दी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। शरीफ खानदान के खिलाफ 4 रेफरेंसेज एहतसाब अदालत को भिजवाने की मंजूरी देने का इम्कान। समंदरी तूफान अरमा ने फ्रांस के जेर एहतमाम 2 जजीरों में तबाही मचा दी। जजीरा बारबडा 90% तबाह। सेंट मार्टिन में एयरपोर्ट इमारतें होटल और घर मलबे के ढेर बन गए। 6 अफराद हलाक मुतादद जख्मी। तूफान हफ्ते को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराएगा। इमरजेंसी नाफिस। कुवैत और ईरान रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ मैदान में आ गए। सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक से म्यांमार हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने का मुतालबा कर दिया।